हे गाइस, दिस इज पल्लवी। आई होप आप सब लोग अपने घर पे फाइन और मस्त होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं गायत्री मंत्र प्ले करने जा रही हूँ, जिसको आप सबने बचपन से सुनते आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इसको सुनने में, और इतनी शांति मिलती है इसको सुनने में। तो चलिए, इस गायत्री मंत्र को हम अपने पियानो पर सीखेंगे कि इसको कैसे ईजी मोड में हम प्ले कर सकते हैं। पहले मैं आपको प्ले करके बताती हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसका ट्यूटोरियल बताऊँगी। तो चलिए, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। से आपको इसको प्ले करना है। तो चलिए, मैं आपको इजी मोड में बताती हूँ कैसे प्ले करना है। हम ये गायत्री मंत्र मिडिल ऑक्टेव में सीख रहे हैं, मिडिल ऑक्टेव में प्ले करेंगे। तो फर्स्ट लाइन है ओम भूर भुव स्वा। तो देखिए इसको कैसे प्ले करना है। नेक्स्ट लाइन है तत्सवितुर्व रेणियम। फिर से देखिए, चार बार एफ, उसके बाद जी शार्प, देन एफ, फिर टू टाइम्स डी शार्प। देखिए फिर से, नेक्स्ट लाइन है भर्गो देवस्य धीमहि। फिर से देखिए, ये वाली लाइन दो नोट्स पे ही प्ले होनी है, सी और डी शार्प पे। इस तरीके से। और लास्ट लाइन है दियो योना प्रचुदया। फिर से देखिए, आप चाहे तो इस लाइन में सी शार्प को टू टाइम्स भी प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसी चार लाइंस को, सेम लिरिक्स को दूसरे नोट्स पे प्ले करेंगे। थोड़ा टोन चेंज हो जाएगा, लेकिन लिरिक्स वही रहेंगे। तो देख लेते हैं, अब लाइंस वही रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लाइन वही है ओम भूर भुवस्व। अब हम कहां पर आ गए, जी शार्प और ए शार्प पे। देखिए, फिर नेक्स्ट लाइन है तत्सवितुर्व रेणियम। इस वाली लाइन में सिर्फ हायर ऑक्टेव का सी शार्प प्ले होगा, बाकी नोट जो है वो मिडिल ऑक्टेव के प्ले होंगे। फिर से देखिए, फोर टाइम्स ए शार्प, वन टाइम सी शार्प, फिर वन टाइम ए शार्प और टू टाइम जी शार्प। फिर नेक्स्ट लाइन वही है भर्गो देवस्य धीमहि। फिर से देखिए इस लाइन को, और लास्ट लाइन सेम रहेगी जैसे हमने पहले प्ले किया था, दियो योना प्रचोदया। इस तरीके से आप इसको अपने कीबोर्ड और पियानो पे प्ले कर सकते हैं। आप चाहे तो नीचे वाले नोट से प्ले कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ऊपर वाले नोट से भी इसको प्ले कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ भी गया होगा कि इसको हमें कैसे प्ले करना है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
एंड यस, अगर आपकी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो उसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।